हाय, ये छोटा सा वीडियो मैं बनाता हूँ। देखिए, मैं लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो मैं गोवा के ट्रिप पे गया था आफ्टर एमबीबीएस इंडिया का जो लास्ट सीजन खत्म हुआ, और मैं बाय रोड गया। और आई लेट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, तो एज ए वर्किंग गाय लैपटॉप भी साथ था, वो भी साथ था, फिर भी फैमिली भी साथ थी, तो मैं इंडिविजुअल वीडियोज नहीं बना पाया। मैंने एक वीडियो डाला था जेलन बेलागावी का, और आपको समझाया था कि किस तरह वो कर्नाटका में होते हुए भी महाराष्ट्रियन कल्चर को बिलोंग करता है। सिमिलरली लेट मी टेल यू, अदर देन पिम्स लोनी जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, बाकी जितने महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं दे आर इन एक्सीलेंट लोकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू बॉम्बे टू पुणे। जी हाँ, तो देखिए, पिम्स लोनी एक अहमदनगर में पड़ जाता है अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे। उसके अलावा जो बड़ी शानदार सड़क है, जो पहले जब आप बॉम्बे से पुणे जाते हैं तो आप न्यू बॉम्बे पहुंचते हैं, पनवेल के रास्ते से पूना जाते हैं, पूना से गोवा जाते हैं, उसी रोड पे बाकी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डीवाई पाटिल नवी मुंबई, वो नवी मुंबई में आएगा, आप पूना पहुंचते हैं, आपको डीवाई पाटिल पूना, भारतीय विद्यापीठ पुणे, सिम्बियोसिस पुणे, तीनों मिलती हैं। पूना से कोल्हापुर का मेन हाईवे है, उसी रोड के ऊपर कोल्हापुर शहर आता है बहुत शानदार, जिसमें डीवाई पाटिल कोल्हापुर है, और कोल्हापुर और पूना के पीछे में बहुत बड़ा शहर है कराड़, जहां पर कृष्णा मेडिकल इंस्टीट्यूट कराड़ है। मुझे नहीं पता था, वेरी फ्रेंकली, मैं पहली बार कराड़ गया और रास्ते में आते बिल्कुल ऑन हाईवे, और ये जो कॉलेज था कृष्णा है तो बिल्कुल हाईवे के ऊपर था, और वो जो कराड़ शहर था उसका कहता है उसमें चलती है इस इंस्टीट्यूट की, यू कैन फील। और फील क्या मतलब, मैं सच बताऊं मैं हर जगह अंदर नहीं जा पाया उतना, क्योंकि हम गाड़ी चला रहे थे, बट 10 मिनट में रुका और 10 मिनट में पता चल गया कि कृष्णा इंस्टीट्यूट इज एज गुड एज मे बी भारतीय विद्यापीठ पुणे। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट में कोई कमी नहीं थी, बहुत शानदार लोकेशन पे रोड के ऊपर, और हाईवे था वो मेन जो पुणे से कोल्हापुर बेलागावी का हाईवे बेसिकली गोवा जाने के लिए। और सब लोग बेलागावी जेएलएन आया, फिर कोल्हापुर शहर आया जिसमें डीवाई पाटिल कोल्हापुर आया। और रोड तो ये है, जब ट्रेन से जाते हैं ना तो कोल्हापुर और पुणे के बीच में कट था जो लेट से अराउंड 30 किलोमीटर, और ट्रेनें सारी उस रास्ते जाती है। तो जो दिल्ली से गोवा एक्सप्रेस जाती है वो पूना होने के बाद वो कोल्हापुर से नहीं जाती, वो सांगली और मिराज से जाती है। तो जो भारतीय विद्यापीठ सांगली हो गया वो भी कोई बहुत हटके नहीं है, इसी हाईवे पे सिर्फ 30 किलोमीटर लेफ्ट में, और सांगली भी अपने आप में अच्छा शहर है, जैसे कि कराड़ या बीच में आए थे सतारा आता है, ये सब महाराष्ट्र के ठीक ठाक शहर है, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाले। तो बहुत शानदार लोकेशंस हैं महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, मैं ये कहना चाहूंगा। उसके बाद दो तो हम जानते हैं, वो नागपुर में पढ़ते हैं दोनों दत्ता मांगे, जिसमें एक वर्धा में है और एक नागपुर में है जो नया खुला है। तो बड़ा ट्रेंड उसे कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्टेट है और कभी कभार मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा जंगलों में हटके होते हैं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात है, जेएलएन दत्ता मांगे वर्धा में मेन लोकेशन में है, जो दत्ता मांगे नागपुर में पर खुला नया है वो नागपुर से 6-7 किलोमीटर भारी है। तो जैसा मैंने कहा, सिर्फ पिम्स अहमदनगर को छोड़ के बाकी सारी जो महाराष्ट्र की डीम यूनिवर्सिटीज है वो बहुत अच्छी लोकेशन पे है। तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैं कहाँ छोटे से टाउन में आ गया, इट्स मोर लाइक कस्तूरबा के दोनों कैंपस, तीनों कैंपस, या जेएसएस मैसूर, केएस हेगड़े बैंगलोर, दे ऑल आर इन गुड लोकेशंस, या जो बैंगलोर में कुछ है। तो एटलीस्ट महाराष्ट्र तो मैं अपनी आंखों से देखा, एंड आई कैन टेल यू कि चाहे लोकेशन हो चाहे इंफ्रा हो, दे ऑल आर वेरी गुड, दे डिजर्व द फीस विच दे आर चार्जिंग, लेट मी पुट इट दिस वे, एंड दे आर वेरी गुड यूनिवर्सिटीज विज़ फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस दैट वी टेंड टू सी। तो चाहे वो यूपी के प्राइवेट कॉलेज हो, चलो तो यूपी में तो कह सकते हो कि हम सस्ते में जा रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान के महंगे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या महाराष्ट्र के जो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, उनके मुकाबले महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव आई लाइक देम अ लॉट, और डेफिनेटली वहां जाना बनता है, देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एट ऑल। जस्ट मैंने जो सारी बेल्ट है ये सब हिंदी समझती है, जो टिपिकल महाराष्ट्र हो जाता है औरंगाबाद या नांदेड़ वाला एरिया, जो आप इंटीरियर में चले जाएंगे, देखिए पूरे कोल्हापुर तो बहुत ही है ना, हाईली डेवलप्ड एरिया है, आप समुद्र से बहुत ही पास है। तो हम जनवरी में आ रहे थे लेकिन बिल्कुल ठंड नहीं थी, आपको हाफ बाजू टी शर्ट पहननी पड़ रही थी। तो इन सब कॉलेजेस में कोई मौसम की टेंशन नहीं है, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, दे आर लाइक समुद्र से 50 किलोमीटर अंदर ही है सारे शहर। तो जो मेन महाराष्ट्र हो गया जो कि विदर्भ अदर देन नागपुर, या जो मैंने बोला कि आप साउथ में जाते हो जलगांव वगैरह की तरफ या लातूर वगैरह, उन सब में तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। तो उसके मुकाबले लैंग्वेज वाइज, फूड वाइज, लोकेशन वाइज, पढ़ाई वाइज,
इंफ्रा वाइज आई कैन सेफली से कि अगर आपके पास बजट है तो महाराष्ट्र की डीम यूनिवर्सिटीज में जाने में कोई टेंशन नहीं है। तमिलनाडु केरला के मेरे व्यूज के आप सभी जानते हो, बट महाराष्ट्र इज डेफिनेटली ओके। कर्नाटका के भी जो टॉप है दे आर डेफिनेटली ओके। सो ये छोटी सी चीज थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि महाराष्ट्र की डीम में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक 2023 और फ्यूचर के MBBS एस्पिरेंट्स के लिए इंडिया या अब्रॉड। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।